मॉर्निंग क्लास 10th, कल हमने चैप्टर हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड होता है, जिन्हें हम कहते हैं सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स यहाँ पर टू टाइप्स की हैं, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स। ये सेक्स सेल्स जो होती हैं इन्हें हम कॉमनली कहते हैं गैमिट्स, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमिट जो होता है वो फीमेल गैमिट से फ्यूज़ करके एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसे कहते हैं जाइगोट। यही जाइगोट जब ग्रो करता है तो आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है दिए गए टाइम्स में, और जो गैमिट्स हैं उसको कहा जाता है जर्म सेल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट जिनमें कि सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो फ्लावर्स के अंदर ही मिलते हैं और सीड्स के अंदर एनक्लोज रहते हैं फ्रूट्स में, तो उनको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। ये जो फ्लावरिंग प्लांट हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट के सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्लांट के फ्लावर में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फ्लावर का मेन फंक्शन ये होता है कि वो मेल और फीमेल गैमिट को बनाए और फर्टिलाइजेशन के लिए इंश्योर हो। इसमें जो न्यू सीड्स बनते हैं वो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में ही यूज़ होते हैं। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जो मेल ऑर्गन है फ्लावर के उनको कहेंगे स्टैमन, जो प्लांट का मेल गैमिट बनाते हैं, और यही मेल गैमिट जो होते हैं वो पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल ऑर्गन फ्लावर का है कार्पल, जो कि फीमेल गैमिट बनाता है प्लांट का। जो फीमेल गैमिट्स हैं ये ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ओवा, एक्सेल या जस्ट एग भी कहते हैं। मेल गैमिट फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज करते हैं। यही जो फर्टिलाइज एग सेल हैं ये आगे ग्रो करके ओव्यूल्स में आगे चलकर सीड बना लेती हैं। सीड जो होता है वो न्यू प्लांट बनाता है जर्मिनेट करने के बाद। जो मेन फंक्शंस, जो मेन पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो है रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन्स एंड कार्पल्स। रिसेप्टिकल बेस है फ्लावर का। सेपल एक ग्रीन लीफ लाइक पार्ट है जो आउटर मोस्ट सर्कल बनाता है फ्लावर में, और सभी सेपल्स एक साथ मिलकर कैलेक्स बना लेती हैं। पेटल्स जो होता है वो कलरफुल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं, और सभी पेटल्स एक साथ मिलकर कोरोला बनाती हैं। स्टैमन जो है वो छोटा सा स्टॉक है जो फूले हुए टॉप के ऊपर रिंग लाइक पेटल्स के ऊपर सिचुएटेड होता है, जहाँ पर स्टैमन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा प्लांट का, यही स्टैमन पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे। प्लांट के मेल गैमिट जो होते हैं वो एंथर यानी स्टैमन के एंथर में बन जाते हैं। नेक्स्ट अब आता है इसमें कार्पल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। कार्पल जो होता है उसके थ्री पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फीमेल गैमिट जो प्लांट में है वो ओवरी में बन रहा है, कार्पल की ओवरी में। फीमेल ऑर्गन प्लांट में जो होता है उसे हम टू नेम से जानते हैं, कार्पल और पिस्टिल। एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन है, चाहे वो स्टैमन हो या कार्पल हो, उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, वो बाईसेक्सुअल है। और जो न्यू सीड बनता है प्लांट का वो मेल गैमिट्स जब पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जब फीमेल गैमिट से फ्यूज़ करते हैं ओव्यूल में, तो उससे टू स्टेप्स में बनता है, एक पॉलिनेशन और एक फर्टिलाइजेशन। कल हम इससे नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।